फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ पेडिक्योर घर में कैसे करें और सर्दियों में फटी एरियों से छुटकारा कैसे पाएं और अपने पैरों को खूबसूरत और मुलायम कैसे बनाएं। लेकिन इसको बताने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो सब्सक्राइब के बगल में नोटिफिकेशन बेल है उसे भी ज़रूर दबाइए ताकि आपको मेरे फ्यूचर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और आसानी से मिल सके, आप मेरे किसी भी वीडियो को मिस ना कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेडिक्योर कैसे करना है। पेडिक्योर करने के लिए मैंने लिया है गुनगुना पानी। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा गर्म पानी नहीं लेना है और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच नमक। नमक का इस्तेमाल हमारे पैरों से डेड सेल को रिमूव करता है। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ शैम्पू, आप कोई भी शैम्पू ले सकते हैं। शैम्पू का इस्तेमाल हमारे पैरों को क्लीन करता है और डर्ट और पॉल्यूशन को रिमूव करता है। देन मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ग्लिसरीन, 1 चम्मच। ग्लिसरीन मस्ट है, आप इसको स्किप नहीं कर सकते हैं, खासकर सर्दियों में अगर आप पेडिक्योर कर रहे हैं तो। ग्लिसरीन का इस्तेमाल हमारे पैरों को मॉइस्चराइज करता है और सॉफ्ट बनाता है। इसके बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर ले और मिक्स करने के बाद अपने पैरों को लगभग 15 मिनट तक इसमें डुबा कर रखें। इसके बाद अपने पैरों को स्क्रबर की हेल्प से इस तरीके से क्लीन कर ले अपने एरियों को ताकि डेड सेल आसानी से रिमूव हो जाए। पेडिक्योर करने से पहले हमेशा नेल पेंट रिमूव कर ले। इस तरीके से पैरों को स्क्रबर की हेल्प से क्लीन कर ले। अगर आपके नेल्स बड़े हैं तो आप फाइलर की हेल्प से इसे भी शेप दे सकते हैं। इसके बाद अपने पैरों को ड्राई कर ले। पैरों को ड्राई करने के बाद अपने पैरों पर वैसलीन, कोई भी मॉइस्चराइजर, लोशन या फुट क्रीम आप अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से अपने पैरों पर वैसलीन लगा लें और लगाने के बाद हल्के हाथों से मसाज करें। अगर आप इस पेडिक्योर को नाइट में करते हैं तो इसका बेनिफिट ज़्यादा होगा, आप इसको डे में भी कर सकते हैं। वैसलीन लगाने के बाद पैरों में सॉक्स पहन लें। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, इस मेथड को ज़रूर ट्राई कीजिए और ट्राई करने के बाद अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके।